हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। माई सेल्फ आकाश एंड आई वॉर्म वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन योर ओन चैनल सक्सेस विथ यू। स्टूडेंट्स, हम जो है हमारा टेंस का टॉपिक उसे आगे करते हैं कंटिन्यू, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण या निश्चित भूतकाल। ठीक है, निश्चित क्यों कहेंगे इसे, क्योंकि ये घटना डेफिनेटली हो चुकी है, दैट्स वाई हम इसे क्या कहते हैं, निश्चित बोलते हैं। ठीक है, परफेक्ट बोलते हैं। अब देखिए, हम इसकी आइडेंटिफिकेशन देखते हैं, इसकी पहचान देखते हैं, तो क्या आता है, हमेशा हिंदी वाक्य के एंड में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर लिया था, गया था। ठीक, ऐसे टाइप के वर्ड्स आते हैं काय में, हिंदी सेंटेंस के एंड में। अब हम इसका फॉर्मेशन देख लेते हैं कि अगर हमारे पास अगर अफर्मेटिव सेंटेंस आता है तो अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होगा काय में, खास करके पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो देखिए क्या था, हमेशा सब्जेक्ट पहले आएगा अफर्मेटिव में, उसके बाद में क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। अब पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ करते हैं, हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं हैड। किसका यूज़ करते हैं हम, हैड का। ठीक है, ओनली हैड का ही यूज़ होता है यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। तो क्या आ गया, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस, और क्या मैंने बताया था कि हमेशा जब भी परफेक्ट टेंस होता है इसमें क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म यूज होती है, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। ठीक है, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। तो क्या हो गया हमारा अफर्मेटिव का फॉर्मूला, सब्जेक्ट हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। क्या हो गया, सब्जेक्ट हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब हम एक सेंटेंस ले लेते हैं कि मैं समाचार पत्र पढ़ चुका था। ठीक है, क्या है, मैं समाचार पत्र पढ़ चुका था। अब हम इसे कन्वर्ट करते हैं आए, उसके बाद में क्या आएगा, उसके बाद में आएंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे ओनली हेड है, तो सभी के साथ में ही हेड आएंगी, चाहे वो सिंगुलर हो, प्लूरल हो, ही हो, शी हो, इट हो, या किसी का नाम हो, या फिर आई वी दे यू हो, सभी के साथ में हम किसका यूज करेंगे, हम करेंगे हेड का यूज। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई हैड। अब क्या होगा, पढ़ना, तो रीड का सेकेंड फॉर्म रेड और थर्ड फॉर्म रीड ही होता है, तो आई हैड रीड न्यूज़पेपर, ठीक है, कैसा हो गया, मैं समाचार पत्र पढ़ चुका हूं, सॉरी मैं समाचार पत्र पढ़ चुका था, आई हैड रीड न्यूज़पेपर। अब हम देखते हैं नेगेटिव, अगर हम बात करें नेगेटिव की तो आपको तो ध्यान ही होगा कि हमेशा हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट का यूज करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हुई थी यहाँ पे, हैड, और हैड के बाद में क्या आएगा, नॉट आएगा। क्यों, क्योंकि सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, तो सब्जेक्ट हैड नॉट, फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या आया, सब्जेक्ट हैड नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो हमारा सेंटेंस कैसा बन जाएगा, मैं समाचार पत्र पढ़ चुका था। अब हम इसे नेगेटिव में कैसे बोलेंगे, मैं समाचार पत्र नहीं पढ़ चुका था। ठीक है, तो इसे कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, आई हैड नॉट रीड न्यूज़पेपर, मतलब मैं समाचार पत्र नहीं पढ़ चुका था। अब इसके बाद में आता है क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या आता है, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, और इसमें क्या करते हैं, हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आते हैं। तो यहाँ पे कौन सी हेल्पिंग वर्ब आई है, यहाँ पे आई है हैड, फिर इसके बाद में आता है सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा, फिर आएंगी वर्ब, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और क्या आएगा एंड में, ऑब्जेक्ट।
ठीक है, ये कंप्लीट हो गया? नहीं, ये कब कंप्लीट होगा? जब हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा? इंटरोगेटिव का फॉर्मूला, सब्जेक्ट हैड वर्ब की थर्ड, सॉरी, हैड सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या, क्वेश्चन मार्क। ये क्या हो गया? इंटरोगेटिव का फॉर्मूला। क्या हो गया? हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी, हैड सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब जैसे हमारा सेंटेंस था, मैं समाचार पत्र पढ़ चुका था, अब हम इसे इंटरोगेटिव में कैसे बोलेंगे? क्या मैं समाचार पत्र पढ़ चुका था? ठीक है, कैसे बोलेंगे? क्या मैं समाचार पत्र पढ़ चुका था? तो हम इसे कैसे बोलेंगे? हैड आई रीड न्यूज़पेपर और क्वेश्चन मार्क। कैसा हो गया? हैड आई रीड न्यूज़पेपर, मतलब क्या मैं समाचार पत्र पढ़ चुका था। अब क्या आएगा? अब आएगा लास्ट में इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, मतलब प्रश्नवाचक के साथ साथ नकारात्मक भी। कैसा बोलेंगे इसे? इसमें क्या आ जाएगा? हैड पहले, क्यों? क्योंकि ये प्रश्नवाचक है, नेगेटिव इंटरोगेटिव है। उसके बाद में क्या आएगा? सब्जेक्ट। फिर क्या आएगा? फिर आएगा नॉट। क्यों आया ये? क्योंकि इंटरोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव भी है, दैट्स व्हाई हम क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट के साथ में नॉट का यूज कर रहे हैं। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क। तो हमारा क्या फॉर्मूला हो गया? हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम इसे देखते हैं। सेंटेंस क्या था हमारा? मैं समाचार पत्र पढ़ चुका था। अब इसे हमने इंटरोगेटिव में कैसे बनाया था? क्या मैं समाचार पत्र पढ़ चुका था? और अब हम इसे इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में कैसे बनाएंगे? क्या मैं समाचार पत्र नहीं पढ़ चुका था? तो हम कैसे बोलेंगे इसे? हैड आई नॉट रीड न्यूज़पेपर, कैसा बन गया हमारा? हैड आई नॉट रीड न्यूज़पेपर, मतलब क्या मैं समाचार पत्र नहीं पढ़ चुका था? इसे नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। तो हमारा नेक्स्ट जो सेंटेंस है उसे हम देखेंगे। चलिए कुछ एक इंटरेस्टिंग सा थोड़ा सेंटेंस देखते हैं। कि चलिए, तो ये बात कंफर्म है। किन किन ने एंड गेम देखी है? चलिए, जिन जिन ने एंड गेम देखी होंगी उनको पता होगा कैप्टन अमेरिका ने थोर का हथौड़ा उठा लिया था। ठीक है, तो ये बात क्या है? ये परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि कैप्टन अमेरिका ने थोर का हथौड़ा उठा लिया था। अब जिनने नहीं देखा, अब उनकी गलती, उन्हें नहीं पता होगा। तो अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में। तो पहला क्या? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो हम इसे कैसे कहेंगे? कैप्टन अमेरिका हैड, उठाने के लिए क्या होता है? पिक अप। ठीक है, क्या होता है? पिक अप। तो पिकअप का सेकेंड फॉर्म क्या होगा? पिक्ड अप। ठीक है, ठीक है,
चेक कर लीजिए क्या सही है। तो हमारा सेंटेंस क्या है, कैप्टन अमेरिका ने थोर का हथौड़ा उठा लिया था, कैप्टन अमेरिका हैड पिक्ड अप थोर्स हैमर, ठीक है। क्या ये सही है? नहीं, इसमें क्या गलत है, इसमें है थोर्स, ठीक है। अगर हम सिंपली एस एस इस तरीके से लगाते हैं, अगर हम एस का यूज ऐसे करते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा थोर बहुत सारे, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, बहुत सारे थोर्स के लिए, ठीक है। लेकिन ये जो है ओनली एक थोर का हथौड़ा उठाया था, ठीक है, तो एक ही थोर था, तो उसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, हम करेंगे यहां पे एफेस्ट्रॉफी एस का यूज। किसका? एफेस्ट्रॉफी एस का यूज। ये क्या करेंगे, ये दिखाएंगा पोजिशन, ठीक है, पोजिशन। किसका ये क्या दिखाएंगे हमें, ये एफेस्ट्रॉफी एस, ये हमें पोजिशन दिखाएगा कि हथौड़े पे किसका अधिकार था, वो था थोर का, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कैप्टन अमेरिका हैड पिक्ड अप थोर्स हैमर, ठीक है। आप समझ गए होंगे ये सेंटेंस। अब इसके बाद में हम नेगेटिव बनाएंगे, कैप्टन अमेरिका ने थोर का हथौड़ा नहीं उठा लिया था, तो हम कैसे बोलेंगे इसको, हैड नॉट पिक्ड अप थोर्स हैमर, मतलब कैप्टन अमेरिका ने थोर का हथौड़ा नहीं उठा लिया था। अब इंटरोगेटिव बनाएंगे, क्या कैप्टन अमेरिका ने थोर का हथौड़ा उठा लिया था, तो हैड क्या बन गया हमारा, हैड कैप्टन अमेरिका पिक्ड अप थोर्स हैमर, मतलब क्या कैप्टन अमेरिका में थोर का हथौड़ा उठा लिया था। क्या बन जाएगा हमारा, क्या कैप्टन अमेरिका ने थोर का हथौड़ा उठा लिया था, हैड कैप्टन अमेरिका पिक्ड अप थोर्स हैमर। लास्ट कैसा बनेगा हमारा, कैप्टन अमेरिका ने थोर का हथौड़ा उठा लिया था, इसे कैसे बोलेंगे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में, क्या कैप्टन अमेरिका ने थोर का हथौड़ा नहीं उठाया था, कैसे, क्या कैप्टन अमेरिका ने थोर का हथौड़ा नहीं उठाया था, तो हैड कैप्टन अमेरिका नॉट पिक्ड अप चलिए देख लीजिए क्या सही है ये सेंटेंस। हाँ बिल्कुल सही है, हेड कैप्टन अमेरिका नॉट पिक्ड अप थोर्स हैमर, ठीक है। ऑब्जेक्ट सॉरी हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट नॉट, वर्ब के थर्ड फॉर्म और ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो बराबर लिखा हुआ है, हेड कैप्टन अमेरिका नॉट पिक्ड अप थोर्स हैमर, मतलब क्या कैप्टन अमेरिका ने थोर का हथौड़ा नहीं उठा लिया था। चलिए इसे नोट कर लीजिए, चलिए एक सेंटेंस आप बनाने की कोशिश करिए। चलिए कोशिश करिए इसे बनाने का। चलिए इसे हम बनाते हैं, वह समय पर स्टेशन पहुंच चुका था। तो किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए पहले तो हमें
वर्डिंग समझना चाहिए, ठीक है। हमें उसके तो ये पता चलना चाहिए कि किस शब्द का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, या हम किसे इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो जैसे वह के लिए तो ही हो गया, टाइम समय पर, ठीक है, तो इसका ज़्यादा ध्यान रखना, समय पर बोला जाए तो क्या आएगा, ऑन टाइम। समय पर के लिए क्या आएगा, ऑन टाइम। स्टेशन के लिए तो स्टेशन, पहुंचने के लिए क्या आएगा, रिच। ओ क्या आएगा, रिच्ड। अब कोशिश करिए इसे बनाने की। चलिए, मुझे लगता है आपने अफर्मेटिव तो बना ही लिया होगा कम से कम। तो अब बनाते हैं, वह समय पर स्टेशन पहुंच चुका था। तो वह के लिए तो ही, हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होंगी, हैड। क्यों होंगी हैड यूज, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है और पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वो होती है हैड, ठीक है। अब अगला क्या आएगा, पहुंचना। पहुंचने के लिए क्या होता है, रिच, और रिच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिच्ड। क्या हो गया, ही रिच्ड टू स्टेशन, और समय पर के लिए ऑन टाइम। हमारा सेंटेंस क्या बन गया, ही हैड रिच्ड टू स्टेशन ऑन टाइम, या फिर हम टू द स्टेशन भी कर सकते हैं। टू द स्टेशन थोड़ा सही लगेगा, ओके। ही हैड रिच्ड टू द स्टेशन ऑन टाइम, मतलब वह समय पर स्टेशन पहुंच चुका था। अब इसके नेगेटिव बनाना है तो कैसे बोलेंगे हम, वह समय पर स्टेशन नहीं पहुंच चुका था। तो ही हैड नॉट टू द स्टेशन ऑन टाइम, मतलब वह समय पर स्टेशन नहीं पहुंच चुका था। ही हैड नॉट रीच टू द स्टेशन ऑन टाइम। अब हमें इसे इंटरोगेटिव में बोलना है तो कैसे बोलेंगे, क्या वह समय पर स्टेशन पहुंच चुका था, तो हम कैसे बोलेंगे इसे, हैड हैड ही रीच टू द स्टेशन ऑन टाइम, और फिर क्या, क्वेश्चन मार्क। तो हैड ही रीच टू द स्टेशन ऑन टाइम, मतलब क्या वह स्टेशन समय पर पहुंच चुका था। अब सबसे लास्ट इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, उसे कैसे बोलेंगे, क्या वह समय पर स्टेशन नहीं पहुंच चुका था, तो इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, हैड ही नॉट रीच टू द स्टेशन ऑन टाइम, क्या हो गया ये, हैड ही नॉट रीच टू द स्टेशन ऑन टाइम। नोट कर लीजिए इसको स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, नेक्स्ट और लास्ट। भारी भरकम सेंटेंस, क्या है हमारा सेंटेंस, थानोस को आत्मा मणि मिल चुका था। क्या है हमारा सेंटेंस, थानोस को आत्मा मणि मिल चुका था। तो इसे हम अफर्मेटिव में कैसे बनाएंगे,
थानोस, हेल्पिंग वर्ब क्या आएंगी, हैड, मिलना या फिर ढूंढना, इसके लिए क्या होगा, फाइंड यूज होता है। क्या यूज होता है, कौन सी वर्ब यूज होती है, वो होती है फाइंड, और फाइंड का थर्ड फॉर्म क्या होती है, फाउंड। थानोस को क्या मिल गया था, आत्मामणि मिल चुका था, तो थानोस हैड फाउंड द सोल स्टोन, क्या हो गया था, थानोस हैड फाउंड द सोल स्टोन, मतलब थानोस को आत्मामणि मिल चुका था। हम नेगेटिव कैसे बोलेंगे, थानोस को आत्मामणि नहीं मिल चुका था, तो हम कैसे बोलेंगे इसे, थानोस हैड नॉट फाउंड द सोल स्टोन, मतलब थानोस को आत्मामणि नहीं मिल चुका था। अब इसे इंटरगेटिव में बनाना है तो कैसे बोलेंगे, क्या थानोस को आत्मामणि मिल गया था या मिल चुका था, कैसे बोलेंगे, हैड थानोस फाउंड द सोल स्टोन, सेंटेंस सही है नहीं, क्या गलत है इसमें, इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है, ठीक है, क्या नहीं लगाया था इसमें, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया था, अब सही है ये सेंटेंस, हैड थानोस फाउंड द सोल स्टोन, हैड थानोस फाउंड द सोल स्टोन, मतलब क्या थानोस, क्या थानोस को आत्मामणि मिल चुका था। अब सबसे आखिरी कौन सा होता है, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इसे कैसे बोलेंगे, क्या थानोस को आत्मामणि नहीं मिल चुका था, कैसे बोलेंगे, क्या थानोस को आत्मामणि नहीं मिल चुका था, तो कैसे बोलेंगे इसे, हैड थानोस नॉट फाउंड द सोल स्टोन, तो क्या हो गया सेंटेंस हमारा, हैड थानोस नॉट फाउंड द सोल स्टोन, यानी क्या थानोस को आत्मामणि नहीं मिल चुका था। चलिए एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस की हम पहचान कैसे करेंगे, आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, हम देखेंगे कि जब भी किसी भी जो हिंदी सेंटेंस होता है उसके एंड में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, गया था, ठीक है, यानी या ये और उसके साथ में था, ठीक है, ऐसे वर्ड आ जाए तो क्या बोलेंगे हम उसे, कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है, या फिर मेन अगर देखा जाए तो चुका था, चुकी थी, चुके थे, इसे ध्यान रखना। अब इसके बाद में क्या देखते हैं हम कि इसका फॉर्मूला कैसे होता है, तो इसके फॉर्मूले में क्या आता है, सबसे पहले अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है इसमें, हैड, तो क्या आएंगे सब्जेक्ट के बाद में हैड, फिर क्या आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्यों, क्योंकि हमने देखा था कि हमेशा जब भी परफेक्ट टेंस की बात करी जाए तो सभी में क्या आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ पे भी क्या आएंगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हमारा क्या फॉर्मूला बन रहा था, सब्जेक्ट हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब इसका नेगेटिव बनाते हैं तो कैसे बोलेंगे इसे, सब्जेक्ट हैड नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और इंटरगेटिव बनाएंगे तो हैड सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्या क्वेश्चन मार्क, और इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव में कैसे बोलेंगे, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा जो पास्ट परफेक्ट टेंस है वो एंड होता है, तो आप बने रहिए इसी तरह हमारे वीडियो पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, हम मिलते हैं कल के वीडियो में।